नमस्कार। श्लोक क्रमांक 30, अध्याय 11। लेलिल्यसे ग्रसमानस समंताल लोकोन समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राप् प्रतपन्ति विष्णो। हिंदी भावार्थ। श्लोक क्रमांक 30। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं से लोगों को निगले जा रहे हैं और बार बार जीभ चाट रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा हर तरफ से झुलसा रहा है। श्लोक क्रमांक 31। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हिंदी भावार्थ। श्लोक क्रमांक 31। हे देवश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्लोक क्रमांक 32। श्री भगवान उवाच, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान् न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। हिंदी भावार्थ। श्लोक क्रमांक 32। श्री भगवान बोले, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा तुम कुछ भी न करो तो भी अवश्य ही मारे जाएंगे। श्लोक क्रमांक 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन्भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते नियता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसा व्यसाचिन्। हिंदी भावार्थ। श्लोक क्रमांक 33। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश प्राप्त करो और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र बन सकते हो।